हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी विल डिस्कस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब हम कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको याद दिलाएंगे जो कि आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होना चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं। अगर थीटा हम 0 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, 30 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और फिर 45 डिग्री के लिए 1/√2 और फिर 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1। ये प्रूफ भी कर चुके हैं हम क्लास टेंथ में, इसलिए अब उसको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत, केवल याद रखना है, प्रूफ नहीं करना है। अब कॉस थीटा की वैल्यू इसी को आप उल्टा ले लीजिए, तो कॉस थीटा 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2 और 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0। इसी को हम उल्टा लिख देते हैं ऐसे। फिर टेन थीटा देखिए, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 √3/2 तो 1/√3 हो गया, 1/√2 / 1/√2 ये 1 हो गया, √3/2 / 1/2 ये √3 हो गया और फिर 1/0 अनडिफाइंड होता है, उसको इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, ये इनफाइनाइट का साइन है, अनडिफाइंड जिसको कह सकते हैं। अब ठीक इसी को उल्टा लिख दीजिए तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, या आप ऐसे कर सकते हैं कि टेन थीटा इज्कल टू 1/cot थीटा, तो 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल ये होगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल यानी 1/∞ 0 होता है, याद रखिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको उल्टा करके ऐसे भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका। अब सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 0 डिग्री की वैल्यू, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, सेक 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी, 45 की वैल्यू √2 होगी, 60 की वैल्यू 2 होगी और 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अब कोसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 हो जाएगा। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को हम एक को याद रखेंगे तो बाकी सब निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा का हमने याद कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 होता है, तो कॉस थीटा का इसका उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर साइन अपान कॉस करिए 10 आएगा, 10 का रेसिप्रोकल करिए कॉट आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करिए सेक आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल करिए कॉसेक आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिक से हम ये वैल्यू याद रख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू है -1/2, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है आपको अभी हमने बताया है, डिस्कस किया है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कॉस एक्स दिया है तो सेक एक्स तो तुरंत निकल जाएगा, सेक एक्स होगा 1/cos x, सेक एक्स कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/-1/2, कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 है, तो हो गया -2। अब एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1-cos2x, कॉस की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो ये होगा -1/2 दिया है, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1-1/4 3/4, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, देन साइन एक्स इज इक्वल टू +-√3/4, तो हो गया +-√3/2 के, साइन एक्स इज इक्वल टू +-√3/2, एक्स लाई करता है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अब प्लस माइनस में से हमको वैल्यू सेलेक्ट करना है कि प्लस होगा कि माइनस, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ से निगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो साइन एक्स हो जाएगा -√3/2। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, साइन एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे,
पी हो गया 1/-√3/2, पी हो गया -2/√3। अब टेन एक्स भी निकल जाएगा, टेन एक्स होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2/1/2, तो ये √3 हो गया। कॉट एक्स भी निकल जाएगा, कॉट एक्स होता है 1/tan x, तो ये हो गया 1/√3। इस तरह से हम ये जान के कि x कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ दिया है कि sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, क्योंकि x जो एंगल है वो लाई करता है कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। sec x दिया है 13/5, तो cos x इक्वल टू होगा 1/sec x, sec x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये होगा 1/13/5, तो 5/13 हो गया। अब देखिए, जब cos x फाइंड हो गया तो साइन निकालने का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1-cos² x, cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1-5/13 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1-25/169। अब इनका एलसीएम हो जाएगा 169, तो हो गया 169-25, तो हो गया 144/169 के। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 144/169, तो साइन एक्स हो गया +√144/169। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 144 का होगा 12 और 169 का होगा 13, तो ये हो गया +12/13। अब यहाँ से हमको डिसाइड करना है कि x पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन x की वैल्यू निगेटिव होगी। अब यहाँ से हमको निगेटिव साइन सेलेक्ट करना है, तो साइन x इक्वल टू हो जाएगा -12/13 के। अब देखिए, टेन x होता है साइन x अपान कॉस x, टेन x की में साइन x देखिए क्या हमने अभी फाइंड किया है, ये है -12/13 और cos x है 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये आ गया -12/5 के। cot x इक्वल टू होता है 1/tan x, cot 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/-12/5, तो न्यूमरेटर में 5 जाएगा, तो हो जाएगा -5/12 के। cos x इक्वल टू होता है 1/sin x, cos x sin x का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ हमने पुट कर दिया 1/-12/13, ये हो गया इक्वल टू -13/12 के। तो इस तरह से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मालूम है तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम कर सकते हैं, जबकि हमको पता हो कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765। अब 765 को हम लिख सकते हैं साइन 2 × 360 + 45, यानी 360 का मल्टीपल 2 है। अब यहाँ 360 + θ का फार्मूला लगेगा, साइन 360 + θ, यानी एंगल 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके और कहाँ पहुँच गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 बार पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करके एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया है। तो यहाँ पर 360, ये 2 क्या शो करता है कि 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन शो करता है ये 2। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 360 + θ का फार्मूला लगेगा, तो साइन 360 + θ क्या होता है, साइन थीटा हमने बताया है फार्मूला, इसीलिए याद रखिए आप, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अभी ऊपर वैल्यू बताएं, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 360 डिग्री को हम 2π रेडियन, ये पावर सी रेडियन डिनोट करता है, 360 डिग्री को हम 2π रेडियन कहते हैं, फिर 90 डिग्री को π/2 रेडियन कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 रेडियन कहते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इनकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी क्वेश्चन में, 180 डिग्री को π रेडियन कहते हैं, पावर सी जो है वो रेडियन डिनोट करता है, 30 डिग्री को π/6 रेडियन कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 रेडियन कहते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 19π/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 19π/3 को हम 2π के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इस 19π/3 को हम लिख सकते हैं
टेन 19 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3 एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब जो 6 पाई है वो 6 पाई 3 पाई का मल्टीपल है, 3 इंटू 2 पाई, 2 पाई का मतलब अभी हमने बताया 360 डिग्री होता है, तो 10 6 पाई को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये 3 क्या डिनोट करता है, 2 पाई तो 360 डिग्री है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी एंगल कितना बार कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है तो एंगल कैसे मूवमेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके एंगल कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया है। ये हो जाएगा 10 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ 360 प्लस थीटा का फार्मूला फिर लग जाएगा। तो 360 प्लस थीटा 10 क्या होता है, 10 थीटा होता है, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है। ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 का मतलब 10 60 डिग्री, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 11 पाई बाई 3। अब यहाँ साइन माइनस थीटा का फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ साइन 360 माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, वो होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले है, ये 2 क्या डिनोट करता है, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने से पहले एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गया है, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर चुका है, उससे पहले ही 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया है और सेकेंड वाले में माइनस पाई बाई 3 एंगल पहले रुका है। तो अब यहाँ 360 माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, माइनस साइन थीटा की ये वैल्यू है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो माइनस यहाँ से फार्मूले से माइनस आया और ये माइनस पहले से था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो साइन पाई बाई 3, तो ये हो गया रूट 3 बाई 2 के। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, तो कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 को ये निगेटिव, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ये हो गया आपका माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। अब 15 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई को लिख सकते हैं माइनस कॉट 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 360 माइनस थीटा का फार्मूला लग गया, तो कॉट 360 माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4, तो प्लस कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम कुछ फार्मूलों को प्रूव करेंगे। ओके।